बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी अच्छे होंगे। और मैं हूं शादाब और आप हैं एनजी किचन एंड व्लॉग में। तो जनाब आप बताइए, आज का आपका दिन कैसे गुजरा और क्या रहा, क्या एक्टिविटी रही? बस रमज़ान भी जाने वाले हैं, बस अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह हमारे लिए हर आने वाला दिन हमारे लिए अच्छा हो, कल का जो गुजरा हुआ दिन था उससे आज का अच्छा हो और अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर दीजिए। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें अदा की हैं, लेकिन हम लोग फिर भी नाशुक्र बनते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है या अल्लाह हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा दीजिएगा। सबसे ज़्यादा हमारी सेहत जैसी नेमत अदा की, हम लोग अपने हाथ पाँव से सलामत से आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो चलते फिरते उस रब्बे कायनात का शुक्र अदा कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वही टॉपिक है इस वक्त जो ऑनलाइन बिजनेस रिलेटिव जो करना चाहती हैं, तो उसके लिए आज ही सुबह जो वीडियो पोस्ट की थी तो उसमें ये बताया था कि होम शेफ जो है वो किस तरह काम कर सकते हैं। अगर आप टेलरिंग करना चाहती हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो भी कैसे काम कर सकते हैं, और अगर आप फूड पांडा पे भी, तो मैंने तो फूड पांडा में ये कहा था कि ज़ाहरी बात है बिज़ी होंगे, हड़पड़ झपड़ में कैसे काम करेंगे। लेकिन कुछ लोगों की मेल मेरे पास आई है, उन्होंने कहा कि आप हमें बता दें अगर हम फूड पांडा में रजिस्ट्रेशन अपना करवाना चाहते हैं तो कैसे करवाएंगे, उसका क्या तरीक़ेकार है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं उनको बता देती हूँ कि फूड पांडा में अगर आप अपना किचन को करवाना चाह रहे हैं तो क्या तरीका है, किस तरह फॉर्म फिल करेंगे, क्या सबमिट करवाना होता है, क्या कुछ है, वो भी मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, हर एक की अपनी सोच होती है हमें किस तरह वर्क करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अच्छा, कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं टेलरिंग का काम करती हूँ, लेकिन यह है कि आज का कोविड की वजह से थोड़ा मसला है। तो मैंने भी उनसे यही कहा कि मैंने आपको इसी मतलब मेरी वीडियो देखकर उन्होंने कहा था कि क्या करूँ, तो मैंने भी उनको बताया कि आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल बना लीजिएगा, फेसबुक पे ग्रुप करिएगा कि भाई इस तरह है, ऑर्डर लीजिएगा, ऑर्डर से काम करें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोग कुछ समझ रहे हैं। जब हमने कोई एक स्टेप उठाया कि आप लोग घर में बैठ कर कैसे काम कर सकते हैं, तो लोगों ने कुछ उसको समझा, ठीक है। और एक बात और आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, वो ये कि अगर हम लोग टेलरिंग का एक है, वो टेलरिंग का जैसे होती ना कोचिंग वगैरह में कहती है, अगर मैं क्या लड़कियों को टेलरिंग सिखा सकती हूँ यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने कहा जी आप वो भी सिखा सकती हैं। यानी एक तरह से आपको वो ऑनलाइन काम हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक, यानी आप घर, आप घर से बाहर नहीं जा रहे, आप घर में बैठकर हर काम सिखा सकते हैं, हर चीज़ पढ़ा सकते हैं, यानी छोटी मोटी टिप्स आपको मिल जाएंगी। तो उसके लिए भी इन्होंने भी मुझे बताया था कि मैं कुछ चाहती हूँ कि चैनल ओपन करूँ और उसका क्या तरीक़ेकार है। जीमेल तो उनकी बनी हुई है, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मैंने उनको बता देती हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा इससे रिलेटेड भी आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी किचन की जो ब्लॉग जो बन रहा है, क्या करना है क्या नहीं, वो भी, और इसके साथ थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगी कि आप ऑनलाइन कैसे काम कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ना, आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो बेहतर यह है कि अभी आप देखिए ऑनलाइन काम करने में आपको एक फ़ायदा तो ये है कि आप देखिए घर में बैठकर, अगर आप घर से बाहर जा रही हैं तो आपका किराया खर्चा अलग होगा, घर भी मिस हो जाएगा कि भाई आप घर में आ रही हैं, देर आ रही है, देर से वेर हो रही है, परेशानी अलग हो रही है, कोविड की वजह से ज़्यादातर आपको पता ना कि बहुत प्रॉब्लम है। तो हमने सोचा कि ऐसी एक चीज़ लोगों को इस तरह मोटिवेट करें कि आप घर में बैठकर आप क्या काम कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब जो मैं वीडियो पोस्ट करूँगी उसी से करूँगी कि आप एज अ होम शेफ फूड पांडा में पार्टनर जो है फूड पांडा की पार्टनरशिप करना चाह रही हैं तो वो किस तरह करेंगी, उसका क्या तरीका है, किस तरह आपको फॉर्म फिल करना है, और फिर आप अपना काम को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर वीडियो में आपको कल आपको बता दूंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी जो भी वीडियो पोस्ट करती तो मिलती रहे। चलिए, जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, शायद आपको अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय।